रेडियो एक्टिविटी के अंदर एन बाय एन नॉट क्या होता था, हाफ रेज टू पावर एन स्मॉल एन को क्या लिखते थे, स्मॉल टी बाय कैपिटल डी, हमने फॉर्मूला निकाला। इसके अंदर एक बात बताओ कि जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी आर, आर आर का मतलब क्या होता है, डीएन बाय डीटी, और डीएन बाय डीटी क्या होता है, लैम्डा एन। तो डीएन बाय डीटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर एन एटम्स हैं तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसके प्रोपोर्शनल होता है और इसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे आर, तो आर प्रोपोर्शनल टू एन। तो कोई भी जो एक्टिविटी है एट टाइम टी, एट टाइम टी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं, एन, तो एक्टिविटी आर। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट, और वैल्यू एक्टिविटी की कितनी है, आर नॉट। ये स्टेप क्लियर है? तो अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो आ गई, पर n बाय एन नॉट इसके इक्वल है तो यहां से r बाय आर नॉट भी इसके इक्वल है। तो कभी कभी वो क्या करेगा न्यूमेरिकल्स में, वो n और n नॉट नहीं देगा आपको, इन स्टेड ऑफ गिविंग n और n नॉट वो आपको r और r नॉट देगा, वो आपको एक्टिविटी देगा। वो कहेगा कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो एक्टिविटी इज 1000 डिस इंटीग्रेशंस पर सेकेंड। एक्टिविटी को कैसे लिखते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर, डीएन का मतलब कितने एटम टूटे पर सेकेंड। एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे एक्टिविटी हो गई 2000, एक्टिविटी हो गई 200 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ऐसे। तो एन और एन नॉट देने की बजाय आर और आर नॉट ऐसे देगा। तो यहीं से फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये समझ में आ रहा है एक्टिविटी के, एक्टिविटी को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में, जैसे n और n नॉट को करते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला नोट कर लें, जिस फॉर्मूले में एक्टिविटी वर्ड गिवन होगी उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, राइट?